एक काम करें तो जैसे इधर को देख रहा हूँ, उधर देखूंगी और हमने वीडियो नहीं बना रही, हमने ये काम करना। चलो आप स्टेशन आ रहा है, दिखा दो जनाब। ठीक है, सो गाइस हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, शहदादपुर, और जहाँ पर ट्रेन 15 मिनट बिफोर आई है और ट्रेन जबरदस्त टापोटाप जा रही है। और यहाँ पर आपको पता तो है शाहजहाँ से हमने हमारी है ना ओ सॉरी सॉरी सॉरी। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज मैं और साथ में शाहजहाँ फैमिली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं रिंग रोड स्टेशन से सीधा भावलपुर। तो ट्रेन भी आ रही है, मैं आपको ट्रेन का भी विजिट कराता हूँ और ट्रेन में बैठते हैं, फिर उसके बाद क्या सीन होंगे मैं आपको दिखाऊँ। لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم। बिजनेस क्लास बहुत प्यारी ट्रेन है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और अभी सन सेट होने वाला है तो मैं आपको थोड़ा सा सनसेट के व्यू दिखाता हूँ। तो तब तक आप सनसेट का व्यू देखो जब तक मैं ट्रेन का विजिट करके आता हूँ। पानी आ रहे हैं
गुड है। और यहाँ पर फ्लैश तो सब चीज़ें ओके हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। और यार एसी बहुत ज़्यादा कूलिंग बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। सो गाइस, ये अपनी ट्रेन की बोगी है और ये कुछ इस तरह की है। और यहाँ पर इस तरह से रूम बने हुए, तो ये अपना हमारा केबिन है। और लाइट थोड़ी बहुत ज़्यादा ही कम है, तो थोड़ा सा अंधेरा हुआ हुआ है। और यहाँ पर मोहम्मद बैठे हैं, और यहाँ पर हमारी बहुत ही प्यारी बहन शाजिया बहना, और यहाँ पर बैठे हुए हैं अब्दुल्ला। ये देखिए जी व्यूअर्स, केंजा जी, ये है जी केंजा जी। हम आपको केंजा झील दिखा रहे हैं ट्रेन से। ये देखिए और करीब कर देखिए, ये देखिए आप, ये हमेशा हमें दिखती नहीं है क्योंकि ये इस साइड पर आती है और हमेशा दूसरी साइड पर ही हमारी सीट होती है। इस बार शाजिया बहन अपनी वीडियो शूट कर रही है और मैं यहाँ पर अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सो गाइस, हम लोग कोटरी स्टेशन पहुँच चुके हैं और गाड़ी 10 मिनट डिले आई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद से आगे ट्रेन अपना टाइम कवर कर लेगी। हैदराबाद बहुत मरतबा दिखाया है, और जिसका स्टेशन कोड नंबर है HDR, और यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट लेट आई है। तो अभी हम लेते हैं, सऊदी में गया था, सऊदी से लेके आया हूँ मैं 2 साल। भाई कितने पैसे हुए? मेरे को रखा था चाय में। भाई कितने पैसे हुए? 60 थैंक यू। आए हैं, इनकी सीट है यहाँ पर, और हम यूट्यूबर है हमजा शाजिया फैमिली, और ये है जी प्रिंस आसिम ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल है, और हम साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और ये है जी मेरे बच्चे दोनों, और ये हमारे सब्सक्राइबर हमें हैदराबाद से मिलने के लिए आए हैं। तो ये अब्दुल्ला है, और यहाँ पर मीटअप हो रहा है अब्दुल्ला के साथ। भाई मुझे बहुत खुशी हुई है आपको देख के, बहुत खुशी हुई है कि आपसे मुलाकात हो गई। अल्लाह पाक आपके चैनल को कामयाब करे। प्लेटफॉर्म पर अंधेरा था, तो इसलिए कुछ नहीं बना सका। तो मैंने सोचा कि स्टेशन की लाइट नहीं है। हाँ जी, स्टेशन पर लाइट नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल अंधेरा है स्टेशन पर। तो आपने लोड शेडिंग देख ले, अंधेरी में पंजाबी आते कर लिए। तो अभी थोड़ा सा काम कर रहा था, तो
मैंने सोचा कि क्यों ना आपों के साथ बात भी कर लूँ थोड़ी बहुत। तो अभी बाहर कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेर है। तो अभी सखरौड़ी आने वाला है तो मैं फिर आपको सखरौड़ी पर। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं सखरौड़ी और मैं स्टैंड जा रहा हूँ बाहर चाय लेने। तो चाय अगर नहीं पियेंगे तो फिर स्टेशन पर उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो स्टेशन से फिर आगे जाके उठना पड़ेगा। तो टाइम 12:15 हो रहे और ट्रेन ऑन टाइम आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। तो फर्स्ट टाइम बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर चाय लेने, तो आपको दिखाता हूँ। शुक्र है स्टेशन पे लाइट गई हुई थी और लाइट आ चुकी है, तो इसलिए जो है ना मैं सीढ़ियों के ऊपर आके शूट कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं बाहर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिर ट्रेन ना छूट जाए। सो दोस्तों, सखरौड़ी का कुछ बाहर का कुछ इस तरह का रिव्यू है, ठीक है, और बहुत ही प्यारा है। मैं अक्सर जब भी आता हूँ ट्रैवल करता हूँ तो मैं यहाँ पर ज़रूर आता हूँ। और ये चाय का एक ढाबा है जहाँ से मैं चाय ज़रूर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम रोड़ी सखरौड़ी का बाहर का कुछ रिव्यू करा रहा हूँ कुछ इस तरह का है। और ये बाहर आने के लिए इंट्रेस्ट है और यहाँ से जाएंगे सीधा बाहर। तो मैं तो बाहर से होके आ गया हूँ, तो मैंने गलती की आपको पहले दिखाता, लेकिन खैर अभी देख लो। ज़बरदस्त जगह है यार, आप लोग भी जरूर। रेलवे जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन वहाँ पर टाइम सर्च की है, तो वहाँ पर हमारे को 6 बजे का टाइम बता रहे हैं, यानी कि हम लोग कम से कम 1 घंटा ट्रेन डिले करने वाले हैं। तो आई होप एंजॉय योर सेल्फ, ठीक है। थोड़ी बहुत इंग्लिश आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, मुझे खुद नहीं पता। तो बट अभी हम लोग पहुँचे हैं खानपुर। मैंने आपको बहुत मरतबा खानपुर का रेलवे स्टेशन दिखाया है, लेकिन दिल कर रहा है कि एक दफ़ा दोबारा दिखाऊं आपको। छोटा सा खानपुर का बड़ा प्यारा सा लोगो लिखा हुआ है खानपुर, तो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, तो मैं ज़रूर आपको भी दिखाऊंगा यार, टेंशन नहीं लो, आपको भी दिखाऊंगा।
सो गाइस, मैं भावलपुर स्टेशन पे उतर चुका हूँ और हमारी शाजियाज बहना जा रही है मुल्तान। तो मुझे बाय बाय, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ क्यों उतर चुका हूँ, मुल्तान ही जाऊँ चेस वेजों में, लेकिन मेरी टिकट भावलपुर तक की है तो इसलिए फिर भावलपुर ही उतरना पड़ा है। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, हम लोग फाइनली भावलपुर पहुंच चुके हैं। 10 मिनट ट्रेन डिले थी, तो मेरे पीछे कुछ भावलपुर का स्टेशन नूर महल की तरह कुछ इस तरह का लग रहा है। और अगर आप भावलपुर में आए हो और अगर आपने यहाँ पर भाई साहब की चाय नहीं पी, तो आपका भावलपुर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जब भी भावलपुर आएँ तो यहाँ पर चाय ज़रूर पिए, अगर आपने चाय नहीं पी तो आपका भावलपुर आने का फ़ायदा नहीं है। तो आई होप के अभी हम भी पीते हैं चाय, उसके बाद फिर चलते हैं घर। तो आई होप के वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए थैंक यू।